कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया? 19। ओके, चलो सो अब जितने लोगों का क्लास प्रेजेंटेशन रह गया, आई विल रीड देयर नेम वन बाय वन, लिसन केयरफुली। यदि आपका हो गया हो तो मुझे बता देना। क्या क्लास प्रेजेंटेशन? अभिषेक यादव, अभिषेक यादव अनम्यूट। तुम्हारा क्लास प्रेजेंटेशन होगा आज, प्रॉब्लम नहीं तो म्यूट कर लो। और पता नहीं कहाँ बैठे हो, किसी अच्छी जगह दूसरी जगह में जाके चेंज करो अपनी प्लेस लोकेशन, बहुत डिस्टरबेंस है। प्रेजेंटेशन कैसे दोगे तुम? नेक्स्ट आदित्य, चलते जाओ यस ना। हाँ रेडी रहना बेटा, नहीं तो 0 नंबर मिल जाएगा आज के बाद। अनिल, भारती, लक्ष्य, मृणालिनी, पलक, प्रशांत, राम, रोशनी। रोशनी के बाद है संजीव। हाँ संजीव नहीं, रोशनी के बाद संदेश संदेश। का तो हो गया था एक बार, क्यों संदेश? मैम, उस दिन मैम वो तो मैम आपने मैम वर्कशीट के लिए लिया था ना। क्वेश्चन दूसरी पूछूं? ठीक है, सानिका, संजीव, साराक्षी, सार्थक एंड विशाखा, इतने लोगों का रह गया है आज। फटाफट एक एक क्वेश्चन जल्दी। हाँ पंक्ति का हो गया बेटा, मैम मेरा होगा मैंने पूछा पंक्ति तुझे क्या हो जाता है बेटा, पिछली बार ही तुझसे क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं क्या सुनती है तू। मैम, आपने बोला था तुझे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। लास्ट टाइम तुमने बेटा एक रॉन्ग आंसर दिया था, एक थोड़ा करेक्ट दिया था, हो गया, मैंने टिक कर रखा जो भी है मेरे पास से। अब नहीं, अब टाइम मिलेगा तब पूछूंगा, अदरवाइज नहीं पूछूंगी। हाँ साराक्षी का हो गया है, करेक्ट। हाँ मैम मेरा हाँ होगा साराक्षी का हो गया है, मुझे भी टिक लगा था, मैंने कई बार कंफर्म कर लिया। हाँ साराक्षी का मुझे भी याद है, साराक्षी का हो गया है। पंक्ति तो बाकी बच्चों से ही पूछ ले, तुझसे पूछा मैंने लास्ट टाइम, हर बार पता नहीं कुछ भी होता। हाँ मैम। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, तुरंत कुछ ना कुछ बोले। उसको लगता है मैम को याद नहीं रहता है। ये देखो प्रूफ बता देती हूँ, ये रजिस्टर है, इसमें सारा आपका नेम और टिक करती जाती हूँ, वैसा नहीं कैसे अपने मन से कुछ भी बोल रही, प्रूफ है मेरे पास। सब लोग दो दो क्वेश्चन अपने रेडी रखो, आप लोग ही पूछोगे, सब लोग दो दो क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से देख लो जल्दी से। ठीक मैम कौन से चैप्टर में? हो गया वो भी। हाँ, मतलब आप लोग पूछोगे इन लोगों से क्वेश्चन, दो तीन तो भाई मैं पूछूंगी, इसके बाद आप पूछोगे। ओके ना, एनी वन ऑफ यू टेल इज स्क्रीन विजिबल? जल्दी बोलो। चलो 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 चलो, नोट करो। सपोज ये ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ये लाइन। अच्छा सॉरी, ऐसे बनाती हो मुझे। ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और थोड़ा इसको सीधा कुछ ऐसे कर, ये स्ट्रेट है। नाउ दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 80 डिग्री, दिस एंगल इज एक्स, दिस वन इज वाई, दिस वन इज जेड। 40, 80 डिग्री, वाई, एक्स, जेड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आप फटाफट पहले क्वेश्चन देखो, जिसका नेम लेंगे वो क्वेश्चन बताएगा, ठीक है? बाकी बीच में कोई नहीं बोलेगा। आदित्य शर्मा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। आदित्य जल्दी, आदित्य कैन यू हियर मी?
हाँ बोलो, मैम वाई की वैल्यू बताओ बेटा। मैम आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाँ वाई ओके, हाँ बोलो जल्दी बोलो, मुझे मैम बता द वैल्यू ऑफ वाई विल बी 50 डिग्री हुसैन द वैल्यू ऑफ वाई आई मैम मदद से आदित्य। हाँ बोलो, हाँ वैल्यू ऑफ वाई विल बी 60 डिग्री एंड मैम देर इज अ रीजन बिकॉज एज वी नो दैट मैम ये 40 डिग्री के एंगल का मैम कुछ नेमिंग कर दीजिए तब मैं ए बता पाऊंगा। बी सी, दिस इज सी, ए बी सी, ओके दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, बोलो। एज वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल सो एंगल ए एंड एंगल इज 40 डिग्री इसको बोलेंगे एंगल हैज मेजरमेंट ऑफ बीएसी, 40 डिग्री बीएसी विल बी सो मैम 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। यस मैम ओके दिस विल बी 40 डिग्री हाँ ठीक है। एंड मैम वी ऑल्सो नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री सो ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस सही है, करेक्ट करेक्ट, आगे सही है। तीनों का सम 180 होता है तो 180 में से दोनों के सम को माइनस कर देंगे, करेक्ट। चलो चलो ओके मैम चलो ठीक है। अभिषेक यादव अनम्यूट। यस मैम तू बेटा पहले मैं 0 नंबर दे दूंगी, ध्यान रखना, पहले आप चेक कर लो कहाँ बैठे हो, प्रॉपर जगह पहले बैठो, तब तक तुम अपना चेंज करो सीट। अभिषेक आदित्य अनिल तो अब्सेंट होगा, भारती एब्सेंट अब्सेंट, अब्सेंट तो 0 नंबर। लक्ष्य एब्सेंट, लक्ष्य भी अब्सेंट है, यस मैम बहुत सही। मृणालिनी चेक करो, मृणालिनी है क्या, एब्सेंट। पलक एब्सेंट, प्रशांत एब्सेंट मैम, आप प्रशांत बोल रहा है, प्रशांत एब्सेंट, एब्सेंट है। राम पराशर मैम वो जस्ट नाउ मैम उसका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो मैच हो गया। यस बेटा मैम प्रशांत पहले मीटिंग में आया था फिर से लेफ्ट हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। रोशनी एब्सेंट, संदेश चलो, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ जेड बताओ। x equals to 120 degree, z equals to 60 degree. Because y equals to z vertically opposite angle 60 degree मतलब z equals to 60 degree और चलो x बताओ, x the sum of two interior angle, इंटीरियर एंगल कहाँ से आ गए, sorry मैम, the sum of x sorry ma'am, first we take an linear pair 60 degree or x का, so 60 degree 180 degree minus 60 degree equals to 120 degree, there is one more method to find an x that is sum of two interior angle equals to exterior angle that is 40 degree plus 80 डिग्री बस ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सानिका। यस मैम, हाँ क्वेश्चन फॉर यू, हाँ ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना, 3x/2 is equals to 6, जल्दी बोलो नेक्स्ट स्टेप। मैम 2 × 6 तो कुछ लिखो, पूरा बताओ, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड बताओ। मैम 2 को 6 की तरफ मल्टीप्लाई लेके जाना है। ओके वो तो ले गए बेटा, पर लेफ्ट साइड में व्हाट इज लेफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 3x = 6। हाँ तो पूरा बोलो, पूरा बोलो, यस 3x = 2 × 6। नेक्स्ट स्टेप,
3x equals to 12. Next. x equals to 12 divided by 3. X equals to next. x equals to 4. x equals to 4. Therefore, ये 4 क्या कहलाएगा? x equals to 4 is a 4 को क्या बोलेंगे इक्वेशन का? सॉल्यूशन. 4 क्या है? 4, yes, 4 is a solution of given. Very good, very good. Correct. चलो. मैम राम आ गया मैम अब. राम अनम्यूट जल्दी. 0 नंबर नहीं लाना तो. अच्छा लक्ष्य को कोई कॉल कर सकता है क्या? यस मैम. मैं कर सकता हूँ शायद से. हाँ कर दो. मैम मैंने उससे थोड़ी देर पहले कॉल. बट मैम मुझे मीटिंग को लीव करना. मैम मैंने से थोड़ी देर पहले यार करनी है. मैम मैंने से थोड़ी देर पहले कॉल करा था. ओके ओके नहीं हाँ तो क्या हुआ? मैम मैंने उसे थोड़ी देर पहले कॉल कराया था तो उसने बोला वो दूसरे घर पर है अभी नहीं करेगा वो ज्वाइन मीटिंग. मैम तो जो भी करे वो जाने वो उसका काम है. 0 मिल जाए तो मिल जाए. अब कोई यदि हाँ राम अनम्यूट बेटा. राम मैम लीव हो गया. चलो प्रशांत को कोई कॉल कर दो अभी. राम को भी कोई कॉल कर दो. एक एक जल्दी से चूज कर लो फटाफट. एक कोई राम को कॉल करो एक प्रशांत को कॉल करो. अच्छा चलो संजीव तो है नहीं. साराक्षी का हो गया. सार्था का चेक करो. यस मैम. हाँ सार्था बेटा. हाँ क्वेश्चन फॉर यू. तब तक राम को प्रशांत को कोई एक कॉल करो. कौन का संदेश? संदेश मैम लेफ्ट हो गया वो राम को कॉल करने के लिए. चलो ठीक है तो प्रशांत को कौन कॉल कर रहा है? प्रशांत को भी कोई कॉल कर दो. यस मैम. जल्दी कोई जल्दी से कौन कर रहा है? करो जल्दी से प्रशांत को कर दो. राम प्रशांत लक्ष्य एटलीस्ट हाँ कर दो. मैम राम को मैंने अभी किया. मैम वो ज्वाइन कर रहा है. मैम मैंने किया था अभी राम को. अच्छा ठीक है ज्वाइन कर रहा तो ठीक है. हाँ ओके सार्थक. यस मैम. क्वेश्चन फॉर यू. इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. बोलो एक्स और वाई बताओ. ये 60 डिग्री है किसकी? वाई. लिसन लिसन अभी इनकम्प्लीट अ क्वेश्चन. दिस लाइन इज एल दिस लाइन इज एम दिस लाइन इज एन इट इज गिवन एल इज पैरेलल टू एम. बोलो एक्स क्या होगा? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में कुछ बताया था मैंने. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे. हिंट दे रही हूँ तुम्हें. करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट को इंटीरियर इंटीरियर इन सब का कुछ ना कुछ यूज होगा. बोलो एक्स इक्वल्स टू सार्थक. पढ़ाई नहीं किया बेटा. अच्छा इसको और इजी बना रही हूँ. ये जेड है जेड की वैल्यू बताओ सार्थक. जेड हाँ मैम जेड इक्वल्स टू 60 डिग्री. हाँ अब ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? लाइन पैरेलल होते हैं जेड और एक्स को क्या बोलते हैं? कौन से एंगल्स होते हैं? विशाखा प्रेजेंट है चेक करो. विशाखा चेक करो. विशाखा है क्या? नो मैम. अच्छा चलो. हाँ तो जेड तो 60 करेक्ट है वर्टिकली अपोजिट. सार्था कि दो लाइन पैरेलल हो एक ट्रांसवर्सल हो तो ये क्रॉस में ऐसे लेती इन एंगल्स को. मैंने क्या बताया था? क्या बेटा? मैम मुझे फीवर था इसलिए मैं एब्सेंट था. अरे बेटा फीवर था मैं समझ सकती हूँ. चल ठीक है लेकिन फीवर से तो बेसिक चीज इसको लिखने की जरूरत थोड़ी होती है. यस मैम. अच्छा जब तू था तो मैंने कौन से चैप्टर कराया? तुम्हारे सामने कौन से चैप्टर हुआ था? मैम मुझे तो 5th चैप्टर तक मैंने पढ़ा था क्लास तक तो. अच्छा 5th चैप्टर कौन सा है?
अच्छा चलिए बता सिंपल क्वेश्चन, 3x = 9 का x इक्वल्स टू क्या होगा? 9/3 चलो अब बताओ, 2x - 3 = 10 सॉल्व करो नेक्स्ट स्टेप। 10 मैम, 2n मैम ये x है ना, 2x हां 2x मैम, 2x इक्वल्स टू 10 - 10 + 9 = 13 चलो ठीक है, अब चेक करो राम प्रशांत को आए क्या, चेक करो अभिषेक यादव अनम्यूट। यस मैम। तुम हो कहाँ पे ये तो बताओ पहले। मैम आई एम ऑन माय हाउस। तो लॉट ऑफ डिस्टरबेंस इज देयर इन योर हाउस बेटा, सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। नो मैम। हाँ मैम इसने शायद एयरफोन लगा रखी है, उसकी एयरफोन खराब भी हो सकती है इस कारण आवाज आ रही है। जो भी है क्वेश्चन पूछे तुमसे, चलो बताओ इसका आंसर बोलो। रुको, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। Which concept will you use in order to find this value of AC? बोलो। AB given है, ये 90 degree। अच्छा बताओ उस concept का नाम बता दो। AC find करने के लिए we will use which concept? What is the name of that concept, that property, that theorem या जो भी है? उसका नाम क्या है? जिसकी help से हम find करेंगे। जल्दी। नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट बता दो, राइट इन चैट बॉक्स अभिषेक, तो चैट बॉक्स में लिख दे, बाकी कोई नहीं लिखेगा, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। इफ यू नो राइट वाई, इफ यू डोंट नो दिस आंसर राइट एन। अनम्यूट मत करना अभी। ये क्या बोला, सीपीयू गर्म होने की आवाज है, बिल्कुल बता रहा है। अच्छा हाँ मैम, ये सबसे अच्छा है मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सबसे बेस्ट जो एक्सक्यूज यही है मैम, नेटवर्क इश्यू नंबर वन, फर्स्ट बहाना। नंबर टू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नंबर थ्री, इसी को दूसरी लैंग्वेज में, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली, ये अच्छा बहाना। ठीक है कोई बात नहीं, तुम आंसर लिख दो। अच्छा यस और नो तो लिख, आंसर मालूम है कि नहीं मालूम? अभिषेक यादव नो। हाँ फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कुछ नहीं पढ़ा इसका समझ आ गया मुझे, जब तुम्हें ये नहीं मालूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी, ये सी पॉइंट है, दिस एंगल इज गिवन, ये वाला एंगल बी यहां पर, चलो दिस एंगल इज गिवन 100 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल सी फाइंड करना। आंसर बताओ, इसका आंसर लिख दो चैट बॉक्स में। अभिषेक यादव 60 डिग्री, दिस एंगल इज 100 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, सिर्फ इसका आंसर लिख दो, क्या होगा जल्दी, टाइम 40 सेकेंड्स। बाकी कोई नहीं लिखेगा, कोई हिंट नहीं देगा, बाकी चेक करो। हैव यू रिटन आंसर अभिषेक? यस मैम, उसने कुछ आंसर उसने लिख दिया 20 डिग्री, रॉन्ग है बेटा। अभिषेक बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, मैं इससे सिंपल अब क्या पूछ रहा हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए। मैम मैं पूछ रहा हूँ, मैम दो तैयार किए हैं। ये कौन बोल रहा है?
मैम राम ने ज्वाइन कर लिया। समय चलो क्या पूछेगी बेटा, सी जी क्या पूछेगी मैम? हाँ नेक्स्ट, रुको रुको, सबसे सिंपल, अब इससे सिंपल तो पूरे मैथ्स की बुक मैम राम ने ज्वाइन कर लिया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछती हूँ, x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, अभिषेक अब तो x का आंसर लिख दे, चल चैट बॉक्स में लिख दे, जीरो ना दूं कम से कम एक दो नंबर दे दो, लिखो चैट बॉक्स में x इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। हम उसने आंसर लिख दिया। हाँ ठीक है ठीक, कुछ तो लिखा है। चल नेक्स्ट, राम अनम्यूट, किसका हो गया, अभिषेक यादव, अनिल भारती, लक्ष्य आया क्या, चेक करो लक्ष्य ने ज्वाइन किया। नो मैम, नो मैम। आदित्य कॉल किया था आपने, आदित्य मैम कॉल किया था आपने लक्ष्य को, मैम आपने किसी और को, अच्छा चलो तुम कॉल कर दो लक्ष्य को, कॉल करो कि तुरंत ज्वाइन करनी तो जीरो नंबर मिल जाएगा उसको। ओके मैम आज आप कर रहा हूं आज, चलो तो लक्ष्य का होगा। मृणालिनी भी एब्सेंट है बट मृणालिनी ने एक कोई आंसर दिया था, मृणालिनी को कौन कॉल कर सकते, मृणालिनी को कौन कॉल मैम, सौम्या एक सेकंड, सौम्या मैम मृणालिनी से प्रेजेंट हूं, क्या बोल रही बेटा मैम, अच्छा ठीक है मृणालिनी अनम्यूट, हाँ ठीक है ठीक है अनम्यूट कर, चल गुड चल। हाँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी इससे पूछा था अभिषेक से, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, विच प्रॉपर्टी विल यू यूज। हाँ बोलो, प्रॉपर्टी का पहले नाम बताओ, राइट ट्रायंगल दिया हो, दो साइड दी हो, थर्ड साइड निकालना हो, तो कुछ मैंने बताया था कि इसके यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ यस गुड गुड गुड, पाइथागोरस थ्योरम, चलो एक पार्ट तुम्हारा करेक्ट है। अच्छा व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस, आई डोंट नो। अच्छा जो प्रेजेंट है राम, अनम्यूट करो, मालूम है जल्दी से बोलिए यस और नो, राम, राम पराशर यस और नो तो बोल बेटा, मैम उसने लेफ्ट कर लिया है। वेरी गुड, प्रशांत, प्रशांत ने ज्वाइन किया, चेक करो, प्रशांत ने ज्वाइन किया, नो मैम, नो मैम, विशाखा है, चेक करो विशाखा, नो मैम, राम, प्रशांत को किसने कॉल किया था, मैम मैंने किया था, बोलो बेटा, मैम मैंने किया था पर उठा लिया था फिर बोला नहीं उसने काट दिया। वेरी गुड, समझ गया था कि ही मैम ने कॉल कर रहा है, बहुत अच्छा। ओके तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मृणालिनी, ये तुम्हें नहीं आ रहा, अच्छा बताओ ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी यहां से मैंने एक एडी बनाया, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एडी को क्या नेम देंगे, व्हाट इज एडी, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है एडी, एडी को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, नो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल तो ट्रायंगल हो, तो मैं एक लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूँ, सिर्फ एडी की बात कर रही हूँ, एडी को क्या बोलेंगे, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं जो अपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कोई कोई बताओ जिसको मालूम है मीटिंग में, जल्दी बोलो, ऑल्टीट्यूड करेक्ट है। हाँ मृणालिनी नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए, एबीसी
एडी एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बीडी एंड डीसी। एडी को क्या बोलेंगे? एडी को हाँ मीडियन। मीडियन हाँ, चल ठीक हो गया, मेरी नालिनी कभी हो गया। अब एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि कितने लोगों का रह गया। आज मैं व्हाट्सएप में जीरो लिखने वाली हूँ, इसलिए फाइनली अनिल जीरो मिल जाएगा, भारती शी विल गेट जीरो, लक्ष्य का एकात्र नहीं, लक्ष्य सिंह था। लक्ष्य को किसने कॉल किया था अभी? मैम आदित्य ने। मैम मैंने किया था। हाँ क्या हुआ? वो मैम मैंने वो मैम जिससे मैं बात कर रहा था मैम उसको बोला मैं हुआ था कि लक्ष्मी को बात करो, क्योंकि मैम जिससे बात कर रहा था मैं वो लग था ही नहीं, फिर मैं उससे बोला रॉन्ग नंबर है ये। तो बेटा देखो ना लक्ष्य का नंबर तुम्हारे पास नहीं है, और किसी किसके पास है लक्ष्य का नंबर? आपकी क्लास में किसी हाँ मैम मेरे पास था और मैम मैं उसी के नंबर पर मेरे पास भी है। हाँ तो अच्छा कोई दूसरा कॉल करो, चलो दूसरा कॉल करो उसको। हाँ करो बेटा करो करो जल्दी करो। गुड, तो लक्ष्य को भी जीरो मिलेगा नहीं करेगा तो जाए क्या करना मुझे। पलक शी विल गेट जीरो। प्रशांत ज्वाइन किया क्या? प्रशांत और राम चेक करो, प्रशांत एंड राम दोनों को जीरो मिलेगा। अब इससे ज्यादा बेटा क्या करा सकते हैं कि कॉल करके उनको बुला रही, इन्वाइट कर रही, इन्विटेशन दे रही, ऐसा होता है कभी? उनको भी जीरो। संदेश का हो गया, सानिका का हो गया, संजीव को जीरो मिलेगा, साक्षी का हो गया, सार्थक का हो गया। मैंने भी मैम लक्ष्य को कॉल किया मैम, उसका नंबर ये आ रहा है कि अभी उसका व्यस्त है। बहुत अच्छा, भाई व्यस्त सबसे ज्यादा फिर ओवर एक्टिंग करेगा। विशाखा को जीरो। ठीक, राम और प्रशांत आ जाए तो मुझे बता देना, और एक बार सारे नाम सुन लो। वर्कशीट कितने लोगों की नहीं मिली ध्यान से सुनो, मैं बता दे रही हूँ। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव अनम्यूट कर बेटा। तुम मुझे अभी साई राम भेजना, अपना नाम लिख के भेजना, तुम्हारा नंबर मेरे व्हाट्सएप में आ जाएगा। तुम्हें आज एक बार वर्कशीट भेज दूंगी मैं, तो तुम आज इसको कंप्लीट कर लेना। अभी जस्ट अभी तीन बजे, तीन बजे नहीं आपकी क्लास कब खत्म होगी? डेढ़ बजे लास्ट क्लास। हाँ बेटा मैम लक्ष्य मम्मी ने उठाया तो फिर वो नहा रहा है और थोड़ी देर बाद में ज्वाइन कर लेगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। चलो उसको थैंक यू बोलना कि एटलीस्ट मेरी क्लास तो ज्वाइन कर रहा, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। ना 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 बिल्कुल, अरे एहसान मंद भैया ऐसे बच्चों के, कितने हो भाग गया मेरे कि ऐसे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मेरी क्लास को। अरे आज तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है मुझे। चलो बहुत बढ़िया गुड। हाँ अभिषेक मुझे अभी मैसेज करना, साई राम अपना नेम लिखना, वर्कशीट भेज दूंगी, आज सबमिट कर देना। अनिल लोधा तो है नहीं, भारती भी नहीं है, पलक भी नहीं है, प्रशांत को भी कोई मैसेज कर देना, मुझे मैसेज करेगा तब उसको भेज दूंगी, अदरवाइज जीरो। रोशनी का नहीं है मेरे पास, संजीव का नहीं है, वैशाली का नहीं है, विशाखा का नहीं, इतने लोगों की वर्कशीट नहीं है। एमसीक्यू में कितने लोगों को जीरो मिला ध्यान से सुनो। सुमित्रा मैम आपने पूछा सर से एमसीक्यू का, ले सकते हैं? अच्छा हाँ अच्छा ठीक है ठीक, ओके। अब हाँ नहीं नहीं सवाल ही नहीं जो आपसे, हाँ ठीक है ठीक। तो एमसीक्यू किस किस ने नहीं दिया ध्यान से सुन लो, जिनको जीरो मिला है। अभिषेक यादव, आदित्य, अनिल, भारती, नितेश, पलक, रोशनी, संजीव, सार्थक, वैशाली एंड विशाखा। अब इसमें से ध्यान से सुनो, अभी आज आपकी इसके बाद कौन सी क्लास है? 12 बजे अभी इसके बाद कौन सी क्लास है आपकी? अच्छा तो फिर ये 10 मिनट्स की वर्कशीट है, सॉरी एमसीक्यू है। तो अभिषेक यादव तुम्हें काम करना, तुम्हें कैसे लिया जाएगा? अभिषेक यादव दे सकता है, प्रेजेंट है। आदित्य दे सकता है, अनिल तो है नहीं, भारती नहीं है, नितेश प्रेजेंट है क्या? चेक करो नितेश प्रेजेंट है। अब नितेश ने तो दे दी थी ना सेकंड चांस में, सेकंड चांस मैंने कोई सेकंड चांस एमसीक्यू में कोई सेकंड चांस नहीं, एब्सेंट है तो ठीक है। नितेश का नहीं है बेटा मार्क्स नहीं मेरे पास, तो कहां से दे दिया उसने, ऐसे कैसे दे दिया? नितेश ने कब दिया बताओ आप लोग, दिया कब उसने? मैम वो ये बोले नितेश का नहीं खुल रहा।
अब तो बेटा इसमें हम क्या कर सकते, ये तो प्रॉब्लम आपकी है। पलक कभी नहीं जाएगा, रोशनी भी गई, संजीव कभी, हाँ सार्थक, सार्थक यस मैम, यस मैम, नंबर वन अभिषेक यादव, नंबर टू आदित्य, नंबर थ्री सार्थक, आप तीनों मुझे व्हाट्सएप में मैं आपको भेज दूंगी एमसीक्यू 12:30 बजे। आप सब लोग साई राम करके भेजना, साई राम करके अपना नेम लिख के भेजना, तो आपको मैं व्हाट्सएप में सेंड कर रही हूँ एमसीक्यू, उसके आंसर आप लिख लिख के एक पेपर में फोटो खींच के पेज में भेज देना। आदित्य क्लियर? यस मैम। हाँ और अभिषेक यादव क्लियर? से यस मैम और नो मैम? यस मैम। तेरा तो यस मैम अलग से दिखता है, बिल्कुल गाजी बाजी के साथ यस मैम आ रहा। तो सार्थक का भी चलो हो जाएगा, आदित्य का हो जाएगा, अभिषेक यादव का हो जाएगा, वैशाली एब्सेंट नहीं होगा। और ये कौन है वैशाली के बाद? वैशाली विशाखा, इसका भी नहीं होगा। कुल मिला के 1 2 3 3 लोगों को आज मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी। बस मुझे जैसी 12:30 आप फ्री हो या 1:30 बजे जब भी फ्री हो तुरंत मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप में, साई राम आई एम आदित्य शर्मा नीचे लिख देना, तो समझ आ गया। मुझे 7th A भी लिख देना साथ में, तो मैं 7th क्लास की भेज दूंगी गूगल फॉर्म। ये हो गया आपका वर्क एमसीक्यू हो गया, क्लास प्रेजेंटेशन हो गया, और मैंने वर्कशीट भी बता दिया। वर्कशीट आज सिर्फ इसको दूंगी अभिषेक यादव को। मामा कितने बजे देने वाले? वैसे मुझे कायदे एमसीक्यू देंगे जैसी आपकी क्लास कब होगी, लास्ट क्लास मैम मेरी हमारी क्लास 1:10 नहीं मैम 1:10 यस मैम 1:15 चलो मैं 1:30 बजे भेज दूंगी, आप 1:15 पे साईराम भेजना। Okay. बस आज के बाद किसी का कुछ नहीं होगा, नहीं किए 0 नंबर। yes. वो तो चलो मैंने चांस आपको दे दिया, कायदे से देना नहीं चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, इसमें चलो आदित्य सिंसियर है इसलिए मैं उसको दे रही हूँ चांस। जो जानबूझ के मक्कारी करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं देना मुझे। ओके अब हमने कहाँ तक कम्प्लीट कर लिया था, आगे कंटिन्यू करते हैं, आपका ऑलरेडी काफी लॉस हो गया। किस चैप्टर पे थे हम लोग जल्दी बोलो, आज के बाद आपका प्रेजेंटेशन सब कुछ खत्म, स्टार्ट करेंगे चैप्टर। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन जल्दी बोलो मैम, शायद मैम देखो बेटा ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, चेक करूं जरा मैं। मैम 6.5 में एक दो क्वेश्चन शायद करने थे। हाँ बेटा यस यस देखिए ये सेकंड ओपन होने दीजिए। नाउ इज स्क्रीन विजिबल, देखो ध्यान से। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आपको सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, इसके दो क्वेश्चन रह गए थे हाँ मुझे याद है, इसके रह गए थे 6.4 के आई थिंक, ये दो रह गए थे लास्ट के दो मैम, ये तो हो गए थे मैम डिस्कस लास्ट एक्सरसाइज। हाँ हाँ उसके करेक्ट 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 ठीक है, ये दोनों रह गए थे क्या 7th 8th? यस मैम। हाँ ठीक है, ध्यान से देखना जरा, खूब अच्छे से समझना, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, सॉल्व आप खुद कर सकते हो, आपको मैं हिंट दे देती हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7th क्या देखो, कंट्रोल प्लस Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and diagonal is 41 cm. ध्यान से देखना क्वेश्चन, हिंट दे रही हूँ सॉल्व खुद करोगे। आपको पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, तो पेरीमीटर निकालना है उसकी लेंथ गिवन है और डायगनल गिवन है, यानी यदि फिगर देखा जाए तो ये है हमारा रेक्टेंगल, ये इसका डायगनल, डायगनल है 41 cm और लेंथ है, डायगनल है 41, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ए
बी सी डी, हमें ब्रेथ नहीं मालूम है, ध्यान से देखते जाना। इन रेक्टेंगल ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का होगा। यदि किसी, ये बन गया ए बी सी, ये वाला है, इट इज अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में इफ वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड वी वांट टू फाइंड एनी वन साइड आउट ऑफ थ्री साइड्स एंड टू साइड्स आर गिवन, इन दैट केस वी कैन यूज, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बताया था मैंने, जल्दी बोलो। यस मैम। हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? h² इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पी, हां, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h क्या होता है? 90 की अपोजिट साइड। कौन सी? ac, तो ac स्क्वायर। बेस होता है जो यहां बॉटम में होता है, ab स्क्वायर। और P होता है जो ये सामने स्ट्रेट होता है, BC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, AC कितना है? 41 स्क्वायर, AB है 40 स्क्वायर, BC को BC का स्क्वायर रहने देंगे। दिस इंप्लाइज 41 का स्क्वायर, निकालो 41 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी निकालो। वन सिक्स एट वन है क्या, चेक करो। यस मैम। ठीक है, तो 1681 स्क्वायर इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस बीसी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखते जाने, ये सारे स्टेप्स आपको लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो 1681 ये 1600 इधर आके माइनस हो जाएगा और राइट साइड में बीसी स्क्वायर बचेगा। दिस इम्प्लाइज बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 81 आएगा। जनरली जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको लेफ्ट में रखते, इसलिए मैंने बीसी स्क्वायर को लेफ्ट में कर दिया, 81 को राइट में कर दिया। तो बीसी की, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, स्क्वायर रूट मैंने कहा था आप 81 करोगे तो फिर लास्ट में जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, म्यूट करो, कौन है ये, म्यूट करो, जब सिलेबस होगा देन आई विल एक्सप्लेन यू स्क्वायर रूट। बट अभी मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि यदि लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड में आपको देखना है 81 इज अ स्क्वायर ऑफ विच नंबर, किसका स्क्वायर होता है 81? मान लो आपको नहीं पता किसका स्क्वायर, मैंने एक ट्रिक बताई थी किसके, प्राइम फैक्टराइजेशन 27 9 3 3 9 3 1 3, फिर पेयर बना लो, एक और एक, ये दो, एक दो में से एक ले लेंगे थ्री, दो में से एक ले लेंगे थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो आप इनको बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड में पावर सेम हो, टू टू है, तो बेस इक्वल हो जाता है, तो बीसी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या मिल गया, व्हाट इज बीसी? बीसी है आपका ब्रेथ, ये है 9, ये 40 है तो ये भी होगा 40, ये 9 है तो ये भी होगा 9, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × L + B, ये तो सबको पता है ना फॉर्मूला। यस मैम। सपोज करो किसी को फॉर्मूला भूल गया, नो प्रॉब्लम, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सबको प्लस कर दो, 40 + 9 + 40 + 9, 40 40 18 9 9 18 80 + 80 98, सॉल्व करोगे तो अपने आप 98 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है। यस मैम। आगे देखो, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 and 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपको मैं इसमें ट्रिक देती हूँ, पूरा खुद सॉल्व करोगे, बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं आपको, सिर्फ हिंट दे रही हूँ। ये रोहम्बस बनाया मैंने, रोहम्बस में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोहम्बस और रेक्टेंगल, सॉरी, रोहम्बस एंड स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, साथ में ईच एंगल इज ऑफ 90, जबकि रोहम्बस में सिर्फ चारों साइड इक्वल होती है, हर एंगल 90 90 की नहीं होती। यदि ईच एंगल 90 की हो जाएगा तो उसको बोल देंगे स्क्वायर। और सिमिलरिटी क्या होती है, जो रोहम्बस के डायगोनल होते हैं, डायगोनल, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं,
यानी जहां पे दोनों डायगोनल्स मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे चार 90 डिग्री बन जाते हैं। ये फोर राइट ट्रायंगल्स मिलेंगे, एक दो तीन चार, ये फोर राइट ट्रायंगल्स मिलेंगे। और इस सारी प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना बेटा, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो रोहम्बस में एक तो सारे डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि बीडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी डीएम इक्वल्स टू बीएम हो जाएगा, और दूसरा एएम इक्वल्स टू सीएम। इसलिए मैंने 3-3 कट लगाए, 2-2 कट्स लगाए। एक तो ये 90-90 हो जाएंगे चारों एंगल, और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो? यस मैम। ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डायगोनल है 16 का, दूसरा है 30 का। अब ध्यान से देखना, सपोज ये 16 है, एसी 16 है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो एएम हो जाएगा 8 और सीएम भी हो जाएगा 8, दो इक्वल पार्ट्स में हो गए। ये 30 है तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15, 15, 15, 8, 8, टोटल देखो 30 मिल रहा है, टोटल 16 मिल रहा है। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अलग से बना के दिखा रही हूँ मैं। ये ट्रायंगल लिया मैंने ए एम डी, ये वाला डॉटेड। इसमें ए एम है 8 सेंटीमीटर और डी एम है 15 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री, मैंने बताया था कि हर एंगल 90 के होते हैं। इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ए डी स्क्वायर हाइपोटन्यूज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है 64, 15 स्क्वायर होता है 225, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 289 है ना। तो ए डी स्क्वायर कितना हो गया 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर। इसका मतलब ए डी कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, तो ए डी मिल गया 17। अब रोहम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए मैंने 1-1 कट लगा दिया, तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17। इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, या 4 × साइड कह दो, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 17, 17 × 4 होता है 68, चेक करो जरा, सही है ठीक, 68 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कैसे किया, यस और नो? ठीक है, चलो इसको अच्छा। ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन, दोनों सो वेरी वेरी सो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट रेज टू दी पावर इंफिनिटी, बहुत अच्छे से करना पूरे लिख करके। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। अब कोई एब्सेंट मत होना, अदरवाइज पूरा बेस चला जाएगा आपका, सारे प्रेजेंट रहना। क्लियर हुआ, यस और नो? क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ज्वाइन करना क्लास टाइम से, तो नेक्स्ट क्लास सबसे पहले आपको पूरा थ्योरी समझाऊंगी, इसके बाद एक्सरसाइज। चलो ठीक है, ओके, लीव 1 by 1 बेटा। साई राम, साई राम मैम। आयान, आयान को कोई प्रॉब्लम बेटा? आयान, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम ही लेफ्ट द मीटिंग। अच्छा, ही लेफ्ट द मीटिंग, ओके। लक्ष्मी आया ना मैम? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, कुछ हुई सिंह आयान? नो मैम। हाँ, क्योंकि आदित्य, अभिषेक और तीसरा मैंने जिसको ही बोला है, वो मैं सार्थक, हाँ, तीनों मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, तो मैं आपको भेज दूंगी। ओके मैम। अभी ना 12:30 पे क्लास, हाँ 1 सर।